आहुति देनी पड़ेगी, कांसी राम पीछे नहीं हटेगा कि आहुति दे करके इस मूसल को आगे बढ़ाने का काम करेगा। और मेरे साथियों, नौकरी छोड़ने के साथ साथ मान और कांसी राम साहब ने उस दिन अपनी माँ को एक चिट्ठी लिख दिया था कि मेरी माँ, तूने मुझे पैदा किया था कि कांसी राम बड़ा होकर के घर परिवार का खर्च बच देखेगा, घर परिवार चलाएगा, लेकिन हमारे समाज में एक ऐसा मसीहा पैदा हुआ जिन्होंने अपने समाज के लिए पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। तो मेरे साथियों, उस मसीहा के कारमा को आगे बढ़ाने के लिए आज के बाद हिंदुस्तान की धरती पर मैं कोई शादी विवाह नहीं करूंगा, अपने नाम से एक रुपए की संपत्ति बनाने का काम नहीं करूंगा, बल्कि जब तक जिंदा रहूंगा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कारमा को पूरा करने का काम करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और आज मेरे साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मानो कांसी राम साहब ने मेरे साथियों जब उन्होंने मूवमेंट को जलाने का जगाने का काम किया, तो मेरे साथियों आज बर्बश अपने आप में आता है कि याद करता है जमाना उन्हीं इंसानों को जो रोक दिया करते हैं बढ़ते हुए तूफानों को, और जिंदगी कदम चूम लेती है जो सजा देते हैं उजड़े हुए वीरानों को। मानो कांसी राम साहब ने ये बहुजन समाज के उजड़े हुए चमन को सजाने का काम किया। और आज मेरे साथियों, आप लोगों ने देखा होगा बहन कुमार मायती जी ने इस बात को कहा, आज तमाम लोग मानो कांसी राम साहब का नाम लेकर के अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम तो जरूर करते हैं, लेकिन मानो कांसी राम साहब का कारमा आगे बढ़ जाए तो मेरे साथियों उस पर ध्यान देने का काम नहीं करते हैं। मेरे साथियों, आज हमारे समाज के पास सब कुछ है, मानो कांसी राम साहब ने केवल एक बात सोचा था कि जो ऑटो वाला समाज है उसको इस देश का राजपाट और इसके हाथ में होना चाहिए, लेकिन मेरे साथियों वोट वाला समाज इस देश में दुचाग्राम है, लाचार है, बेबस है, उसकी बहु बेटियों की आबरू लूट ली जाती है। और आप लोगों को मालूम होगा हमारे पुराने साथी कैडर के लोग बैठे हैं, मेरे साथियों मानव कांसी राम साहब से जब पत्रकार बंधु लोग पूछते थे कि मानव साहब आप क्या करना चाहते हैं, तो मानव कांसी राम साहब केवल एक शब्द कहते थे कि मैं बहुजन समाज को इस देश का हुक्मरान बनाना चाहता हूँ। मेरे साथियों, लोग कहते थे कि साहब लोग को आलू टमाटर प्याज की बात करते हैं, गेहूं सस्ता चावल की बात करते हैं, मानव कांसी राम साहब ने कहा कि जिस दिन हमारा ये लंगुआ समाज इस देश का हुक्मरान हो जाएगा, मेरे साथियों बड़े बड़े लोग उसके चरणों में गिर करके उसकी वंदना करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और आप लोगों ने देखा था कि मेरे साथियों जब 3 जून 1995 को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हमारी नेता अरड़िया बहन कुमारी मायती जी बनी, मेरे साथियों हमारी नेता ने पहला ऐलान किया जो गुंडा मवाली हमारी बहन बेटियों की आबरू लूटते थे, जो हमारे सर्वजन समाज के लोगों को गरीब लोगों को चौराहों पर मारने पीटने का काम अपमानित करने का काम करते थे, हमारी नेता ने पहला ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश की सड़कों पर कोई गुंडा मवाली टहलता हुआ नजर नहीं आना चाहिए। तो आप लोगों ने देखा होगा छोटे मोटे गुंडे छोड़िए, जो प्रदेश के नामी ग्रामी गुंडे थे उनको भी चूहे की तरह पकड़ करके जेल की सलाखों में ठूस करके छठी का दूध त्याग कराने का काम हमारी नेता बहन कुमारी मायती जी ने किया।